इंडिया के हर बाप पिता को ऐसी बेटी मिले। भाई ये हैं गेहूं, अभी आ रहे हैं ये। ऐसे गलत काम करने में बहुत डर लगता है मेरे को। हेलो दोस्तों, मैं हूं ससुराल में और मेरी सुबह हो रही है 12 बजे और मैं आज लेट उठा काफ़ी और उठते ही नहाया और नहा के हो गया हूं तैयार और मैं हूं कमालगंज अपने ससुराल में। और आज है 19 तारीख, कल थे शिवरात्रि, आज है 19 तारीख और आज हम निकलेंगे अपने गाँव कंपिल। सामान लेके, ये बैग लेके, एक और बैग रखा है अंदर, वो बैग लेके और निकलेंगे। और यहाँ हो रही है हमारी सासू माँ लेटी हैं और कोमल, और वाइफ को नहीं दिखा सकता, मना किया मम्मी ने। और हमारा खाना आ गया है गाइस, इरा, और खाना खाएंगे और निकलेंगे अपने घर कंपिल। तो खा लेते हैं, अगर आपको भी खाना है तो आप भी खा लो, टेस्टी लग रहा है देखने में। जो गाइस फरवरी का महीना है और ये हमारी वाइफ महारानी पंखा चला के सो रही है, बताओ। हेलो, बहुत गहरी नींद में है और देखो मैं जैकेट में हूँ देखो, और इनको गर्मी लग रही है। ड्राइवर साथ लिया, मैं और कोमल, हम तीनों जा रहे हैं खेत में घूमने, गेहूँ देखने के। आवाज बहुत आ रही होगी, हम तीनों लोग जा रहे हैं इस खेत में गेहूँ देखने और मजे लेने, मौज करने, फुल एकदम मजे करने। तो गंगा किनारे भी देख लेंगे, गंगा किनारा भी दिखा देंगे थोड़ा सा। देखो चिड़िया को बाइक आती है फुल फुल मेरे से ज़्यादा, हम जा रहे हैं गाइस अमरूद की भीख मांगने, भैया से अमरूद मांगने जा रहे हैं। बोलेंगे भैया दे, चार अमरूद दे दो यार खाने के लिए, या देंगे या नहीं देंगे, चलो देखते हैं चल के। भाई ये हैं गेहूँ, अभी आ रहे हैं ये 2 महीने बाद सूखेंगे, फिर गोल्डन हो जाएंगे पीले पीले कलर के, फिर काटो और पिसवाओ और खाओ। दे दो भैया 2 अमरूद दे दो, ज़्यादा नहीं, 3 अमरूद मिल चुके हैं अपने को और अपन 3 लोग हैं, एक एक खाएंगे। लो जे वाला तुम ले लो, छोटा वाला तुम्हारा और तुझसे छोटा तुम्हारा, सबसे बड़ा मेरा। चलो हो गए, आलू सारे निकल गए हैं, सारे मतलब ज़मीन के अंदर से खुद के निकल गए हैं, देखो बड़े बड़े सारे भरे रखे हैं। तो ये होते हैं आलू के पौधे, सूख गए हैं सारे, रियल आलू, ताज़े आलू। खड़ा हूँ गाइस जन्नत के आगे और मेरे आगे है जन्नत यानी कि गंगा नदी, इतनी मस्त लग रही है। 1 2 3 वो देखो ना, वो बाइक खड़ी करी है यहाँ, कूदियो एक बार बढ़िया है, नाइक दिखाओ एक बार, चलो छलांग लगा दे, 100 रुपया मिलेंगे। जा रही नान, जाओ कूदो, घुसो और अंदर घुसो, अरे हम बचा लिए इधर पर, यहाँ लोग गाइस पूजा वूजा करते हैं। ये देखो मूर्ति मूर्ति, और ये देखो रिस्क लेते हुए नज़ारा मस्त लगता है बस यहाँ का, एकदम बढ़िया ऑसम नज़ारा। जो बीच में जगह खाली दिख रही है ना, उसमें तरबूज बोए जाते हैं गर्मी के मौसम में, और जब गंगा का बहाव तेज होता है ना, जो बीच की जगह देख रहे हो ना खाली खाली वाइट वाइट, ये सब में पानी भर जाता है एकदम सब में, और ये यहाँ तक पानी भरा रहता है यहाँ तक। अभी हम जहाँ खड़े हैं अभी भाव स्लो है, मतलब कम रहता है भाव तेज का, बहुत गर्मी में ही होता है ना, गर्मी में ही बहुत तेज भाव होता है जब मतलब बारिश का मौसम होता है। देखो
वहाँ खेती होती है, देखो वाइट वाइट देख रहे हैं ना, उसमें तरबूज की खेती होती है और नाव से तरबूज भर के इस साइड आते हैं, फिर वो मार्केट में जाते हैं, फिर बेके जाते हैं। ऐसे नाव चलाते हैं, देखो ये यहाँ से दूसरी साइड ले जा रहे हैं सामान। देखो गाइस बाइक ना देखे मार दी यहाँ पे, बाइक जहाँ पे नाम हो ना भैया। देखो गाइस तुम अपने भाई नहीं, इसीलिए मेरे को लड़की पे विश्वास नहीं होता। बताओ यहाँ देखे मारी गिरने से और बच्चे काली बेकार में। अपनी चलाओ, अपनी अपनी चला दे। कहाँ खड़ी है मैं देखियो, वो तो गाइस ये वाले तार नॉर्मल वाले तार हैं, अगर ये वाले तार होते ना, ये ब्लेड वाले तार है ये वाले, अभी तक तो छिल छुल के लफड़ा हो गया होता। निकलवाओ ना। और गाइस अब हम जा रहे हैं अपने ससुर जी का खेत देखने, जिसमें हमारे ससुर जी ने कर रखे हैं गेहूं। जो सारे आसपास पूरी खेती खेती है और सब ना गेहूं की खेती है सारी, ये भी गेहूं, वो भी गेहूं, ये भी गेहूं, गेहूं और आगे गंगा है, ये खेत है गाइस अपना। और ये भी अपनी गेहूँ, ये है 5 बीघा में। देखो चेक करने आए थे यहाँ पे, लील गाय भी लगाए आते हैं खाना, मतलब बेकार कर देते हैं फसल। देखो गाइस गाय ने ना बहुत सारा गेहूँ का नुकसान किया है, देखो ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, मतलब इतने एरिया का नुकसान कर दिया। तो यही चीज़, मतलब यही चीज़ चेक करनी होती है। देखो ये सब खाए हुए हैं गाय ने, देखो ये सब गाय, मतलब बहुत नुकसान हो जाता है गाइस ऐसे। और बाकी सब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो है और फिर यह बात नहीं आई है, बीच में लगाया है जे खान तक बंदे हो, इससे मतलब वो रहती है, सेफ्टी रहती है थोड़ी सी, मतलब जानवर उनवर घुस नहीं पाते। और गाइस प्रिया के बारे में कुछ तारीफ करना चाहूँगा, प्रिया एक ऐसी लड़की है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, इतनी मेहनती है, मैं भी इतना मेहनती नहीं होऊंगा, मेरे से भी इतना काम नहीं होगा, लड़के भी इतनी मेहनती नहीं होते। इनके पापा अकेले खेती करते हैं और ये साथ में पूरा हाथ बटाती है, पूरा पूरा, मतलब एक लड़का भी नहीं कितनी मेहनत करता हुआ जितनी प्रिया करती है। कोमल भी मेहनती है, दोनों मेहनती है। और मतलब मेरी वाइफ में इतना मेहनत नहीं करती, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया खेत में कभी कभार, और बहुत मेहनती हैं यार। और अच्छी चीज़ है ये, अपने पापा के साथ लगे रहना, मेहनत करवाना, और हर कोई लड़की ये मेहनत नहीं कर सकती। बाकी शहर की लड़कियों को तो फुर्सत ही नहीं होती अपने फ्री फंड के चोचलों से इधर उधर घूमना, मेकअप से कभी, ये सब पापा की पड़ियाँ, उन सब से फुर्सत ही नहीं होती यार। अच्छा लगता है यार कि मतलब कोई लड़की अपने घर पे अपने पापा के साथ हेल्प करवाती है, इससे अच्छी क्या ही चीज़ हो सकती है। और गाइस देखो यहाँ पे भी गेहूँ खा रखे हैं बहुत सारे, सलूट है ऐसी लड़कियों को जो अपने पापा की इतनी हेल्प करवाती हैं। उन्होंने विश्वास करके प्रिया को दोबारा बाइक दे दी। गिरने से बची थी गाइस, ज़्यादा नहीं लगी थी। और गाइस इसे कहते हैं देश की असली बेटी, जो अपने पापा की पूरी पूरी हेल्प कराती हैं। और ये लोग गाइस कैमरे में कम बोलते हैं थोड़ा, मतलब बिना कैमरे के हम लोग बहुत मज़े लेते हैं, ऐसा आपको लगता होगा कि यहाँ कैमरे के सामने बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, जब कैमरा ऑन नहीं होता तो बहुत बातें करते हैं हम लोग, बहुत मज़े लेते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। चलो अब चल रहे हैं हम घर की ओर, गेहूँ ही देख के। इंडिया के हर बाप पिता को ऐसी बेटी मिले, धन्यवाद। और प्रिया करने जा रहे हैं तूफानी अमरूद तोड़ने, चलो आ जाओ, कोमल भी आ रही है, आ जाओ आ जाओ, अमरूद चोरी करने जा रहे हैं, रिस्क है और पकड़े जाने पे टुकाई हो सकती है। देखो भाई ये ब्लेड का तार बहुत खतरनाक होता है, अगर लग गया ना तो सीन होगा। चलो पार करो, तुम करो, करो ले पकड़ो, हम नीचे से निकल जाएं, नीचे से निकल जा रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का ब्रो। तुम भी आओ, वो देख रहे हो कितने खतरनाक जे, क्या गेहूं है क्या है, बढ़िया बढ़िया तोड़ लो, जल्दी तोड़ लो वरना कोई आए जे। ओए प्रिया जी वालो तोड़ो, जी वालो मस्त करो, चढ़ के राइट हो गया, अरे जी वालो, जी वालो मस्त, देख मजा आया जब अमरूद खाने में, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ओ बच गया, अरे यार
जल्दी 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 जल्दी, ओ टूट गया रे, टूट गया। मस्त है ना ब्रो, दिखाइयो ये वाला मस्त है। चलो चलें, अरे और तोड़ लो, अमर को एक बार बुआ लो तोड़ने, देखो अब चलो एक ऊपर चढ़ के तोड़े, तो बुआ लो, बुआ लो, मस्त लग रहा है। पकड़ो पकड़ो तो, अरे कौन से बता रहे तुम, जय बता रहे थे ना, अब बनी होगी। चलो चलो इसके ऊपर, वो नहीं वो सबसे ऊपर। हां भाई यार, तो इतनी ऊपर चढ़े हो का, ओ जी आप तुम ले चलिए भाई। चलो मैं जल्दी चला, कहां है कौन तो है जी, ऊपर इधर साइड, अबे दिखाई रहा है उधर से जी, इधर। हां जी इधर आओ, कोई चाहे तो ऊपर, ओ डोकेरा टूट जाएगा वो यार, नहीं टूटी। आ ये करोड़ वॉट आ गया, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई आ जाए ना लफड़ा हो जाए। मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, दो तोड़ लिए, आ जाओ चलो। गाइस ऐसे गलत काम करने में बहुत डर लगता है मेरे को, और दिल धक 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 कर रहा है अभी भी मेरा। जल्दी निकलते हैं, बंद तो ना करी, दिन को हम लोग तोड़ के लाएंगे अपनी बैग के लिए और सासु माँ के लिए। घर पहुँच चुके हैं वापस, घर गाइस, और ये देखो बछड़ा, एक भैंस, कोई जी ना, घर पे कोई नहीं है। आज जा सकते हैं ना, जा सुबह है? सुबह मम्मी अगर कुछ बोले तो कोमल ने बोली कोमल बातें हम तो नहीं जा रहे, इधर उठ के चले क्या बोल रहा, बताओ जा जाए या ना जाए, कोमल बताओ और गाइस थोड़ा बहुत मेरा भी रुकने का मन कर रहा है, और जाने का देखो 100 में से जाने का कर रहा है 30% और रुकने का कर रहा है 70%। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम निकल रहे हैं अपने घर कंप्लीट वापस, और अपना बैग बन चुका है, और ये बैग है एक, और हमारी सासु माँ पैक कर रहे हैं हमारे लिए दूध, और ये अपने पीने के लिए दूध, और ये बैग तैयारी हो रही है, और मन तो नहीं कर रहा पर चलना पड़ेगा। चलो गाइस निकलने की तैयारी हो रही है, ये रहा अपना टीका वीका और बैग, ये रहा, और ये कोई रीति रिवाज होता है, और सासू माँ बैठे हैं, और प्रिया पानी डाल ले प्रिया, नहीं मम्मी नहीं मेरे तो। पानी पी लो बस, एक और रुपया ना दियो ना, ले लिए ना, रख लियो ना, प्लीज मैं रखियो मत, अलविदा बोलते हैं अपनी ससुराल को। दो दिन रुके हम यहाँ पे, 18 तारीख को, नहीं 17, 18 और आज 19, तीन दिन हो गए। और ये रही अपनी बाइक, तैयारी है फुल, हाँ जा रहे, बाय बाय, जो कहा सुला रही, अरे गोदी में सुला रही देखो जिंदगी इसकी बढ़िया है, बाय बाय। अबे रोई ले, अरे थप्पड़ मार दिया, अबे रोई ले, रोई काहे के मारे, वो सुना लोगों ने देखो सांस मेरी, चलो ठीक है, हल्के हल्के आंसू आए हैं, देखो मैं बोलूंगा नहीं वरना रोल पड़ेंगी। दोस्तों इस टाइम मेरी सास ना बहुत उदास हो गई थी, बहुत उदास, मतलब किसका ही मन करेगा कि उसकी लड़की उसके घर से दूर जाए, और एकदम मतलब रोने वाली शक्ल हो गई थी, और इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। दोस्तों मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे को इतनी अच्छी सास मिली, मानोगे नहीं गाइस इतनी अच्छी सास है मेरी, क्या ही बताऊँ गाइस। बांधो और तुम्हारा बाइक गिराने वालों ब्लॉग पड़ेगा, ठीक है, हम कौन बोलेंगे। देखो तुम्हारी मम्मी ना रोल लगी है, देखियो गाइस मेरी सास रोने लग जाएंगी, देखना मैंने बहुत मना किया है, मतलब मेरी वाइफ ने भी मना किया है, वैसे इतने कुछ लोग बच्चे अपने को छोड़ने आए हैं, बाय बाय।
और गाइस मेरी सास ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं आज जाऊं। मेरी सास बोल रही थी सुबह जाना सुबह जाना सुबह जाना, रट लगाए पड़ी थी। हम करा रहे हैं भैया के पास चाट पैक और इसके बाद खाएंगे हम गोलगप्पे। और हम आ गए हैं लगभग आधी दूरी पे कायमगंज। और मेरी ससुराल से मेरा घर है 80 किलोमीटर दूर और 40 आ गए हैं, लगभग 40 से 45 आ गए हैं और थोड़ा और जाना है और रात भी हो गई। और हम निकले थे 4:30 बजे और अभी बज रहे हैं 6:30। तो टिक्की दादी के लिए पैक करा लेते हैं और गोलगप्पे वोलगप्पे खाएंगे फिर निकलते हैं। ये खड़ी अपनी बाइक, मेरे बैग अपनी बाइक, हमने निकलवाए हैं गोलगप्पे भैया से। क्या नाम है दोस्त आपका? शिवा। है शिवा, शिवा भाई के गोलगप्पे खाएंगे हम। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं। कितना टाइम, ये देखिए बताइए कितना टाइम हो गया है, कितना कितना कितना। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, लगभग 7:15 के करीब का टाइम हो गया है। और ये है अपना सब प्यारा सा घर। और रात हो गई यार काफ़ी, और कमर उमर सब दर्द करने लग गई। देखो अपने कौन मिला, अपना सूरज भाई, अपना सपोर्टर और अपने सारे ब्लॉग देखता है भाई और सब्सक्राइबर वक्राइबर बढ़वाता रहता है जितने भी नए बंदे मिलते हैं। तो यार एकदम बढ़िया बंदा है और अच्छा लगता है इससे मिल के। और कल हम जाएंगे हो सकता है भाई के साथ कहीं घूमने, और दादी से मिलवाता हूँ। मिलिएगा इस दादी से। और ये है हमारी नन्नी बिटिया। और गाइज इनकी उम्र पता कितनी है? इनकी उम्र है लगभग 32-33 साल, लगता नहीं है इनकी उम्र इतनी है। चलो भैया मारना वादा में, ठीक है। और गाइज ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते और ख्याल रखना अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना यार, ध्यान से। तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करो। और टीवी देखो।